नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि कल के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे पंजाब के दौरे पे, और जब पंजाब के दौरे पे वो जा रहे थे तो रास्ते में ही उनके काफिले को रोक लिया गया। और रोकने के बाद आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 20 मिनट तक उनके काफिले को रोका गया। और ये कहां से कमी आई, कहां से नहीं कमी आई, ये चीजें तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी जो पार्टी है वो लोग आरोप सीधा कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमें और आपको अगर दुश्मनी और नफरत अगर है तो हमें बीजेपी की नीतियों से है, हमें इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं है, ठीक है। और अगर इस तरीके से जो सुरक्षा में इस तरीके से गड़बड़ किया गया और एक प्रधानमंत्री के काफिले को रोक दिया गया, ये वाकई में बता दूं ये अन्याय है। एक तरीके से ये बहुत ही गलत काम है। पंजाब सरकार को चाहिए इस मामले को बाकायदा तरीके से जांच करे, और जांच करने के बाद जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी भी मंत्री की का जब काफिला निकलता है तो दूर दूर तक वो जो रोड होता है, जिस रोड से वो क्रॉस होते हैं, वहां पर काफी ज्यादा लोग जो होते हैं कोई भी उस रोड पर दिखता नहीं है। और दिखने के बाद भी अगर वो रहता भी है तो वो साइड में रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री जब पंजाब में पहुंचते हैं और पंजाब में पहुंचने के बाद जिस तरीके से उनके काफिले को रोकवा दिया गया और वो वहां से फिर वापस आ गए, और वापस आने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे जाके बोले कि पंजाब के अपने सीएम से जाके कह देना कि मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, तो इस तरीके से एक तरीके से बता दो कि ये शर्म की बात है कि हमारे देश के मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का इस तरीके से अगर इंसल्ट किया जाए और कोई चीज किया जाए तो ये काफी दुखद की बात है मेरी तरफ से। मैं आपको बताऊं कि मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं करता, मैं बीजेपी के नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन मुझे बीजेपी के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मुझे उनसे नहीं विरोध है। मुझे इस बात पे गर्व होना चाहिए कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारे अगर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री के साथ ये इस तरीके से बर्ताव किया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाएगा, तो आप लोग सोचिए क्या होगा। तो वाकई में बता दूं कि ये शर्म की बात है, और मैं ये चाहूंगा कि जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस मामले को जांच करें, और जांच करने के बाद जो भी दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। तो आप सभी को मेरा जय भीम, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।